हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम सेल में आए लैपटॉप्स में मिल रहे डिस्काउंट पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट में कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। डिस्काउंट आए तो अच्छी बात है, वरना नहीं आया तो फिर वेट और लंबा करना पड़ सकता है, या फिर यू कैन वेट फॉर अमेजोन सेल, शायद वहां कुछ हाथ लग जाए आपके। अमेजोन सेल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26th एंड 27th जुलाई फॉर प्राइम मेंबर्स ओनली। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सैड न्यूज बता देता हूँ, सेल में ओमेन एंड हेलियोस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे उम्मीद था कि हेलियोस का प्राइस तो कम होगा, बट कुछ भी कांटा नहीं हिला है इसका। एनीवेज, पहले अंडर 60,000 आई गेस आइडिया पैड इज अ गुड ऑप्शन फॉर नाउ, जो कि 4,000 के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अभी ये 60,000 पे मिल रहा है, पहले 65,000 पे ये अवेलेबल था। ओनली बैड पार्ट ऑफ दिस लैपटॉप इज कि ये 60Hz के साथ आता है। सो अगर आपको ई स्पोर्ट्स खेलना है या फिर ओल्ड गेम्स ट्राई करना है, देन यहाँ थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है आपके। इसके अगेंस्ट आप चाहे तो यू कैन गो फॉर टफ F17, जो कि 17 इंच के साथ साथ सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा, बट उसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। बट इसका डिस्प्ले एंड हीट मैनेजमेंट आपको पता है, सो चॉइस इज योर्स। वैसे 57,000 में भी आइडिया पैड का ऑप्शन है, बट विथ 1TB हार्ड डिस्क ड्राइव ओनली, नो SSD। अलग से चाहे तो आप लगा सकते हो उसको। वैसे इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आइडिया पैड गेमिंग एट 60,000 मिलेगा विथ 512GB SSD। नेक्स्ट, अगर आप अंडर 70,000 देखना चाहते हैं, देन फिलहाल तो कुछ नहीं है। या तो निट्रो के साथ आप जा सकते हैं 65,000 पे, बट उसमें एंड आइडिया पैड के अंदर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि निट्रो का कूलिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा है, उसको आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जितना कूलिंग अच्छा रहेगा मशीन आपका, उतना लॉन्ग लाइफ देगा आपको। या फिर गो फॉर आइडिया पैड ओनली एट 71,000 विथ 4800H, 1650 एंड 16GB रैम। और कुछ नहीं है इस बजट में। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बोल करके और कुछ नहीं है, क्योंकि लीजियन एंड निट्रो वॉज द बेस्ट ऑप्शन एट दिस प्राइस पॉइंट, बट वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो। नेक्स्ट, 80,000 में आप चाहें तो MSI GL65 थिन को ले सकते हैं। इसमें कोई डिस्काउंट फिलहाल नहीं मिल रहा है, बट ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। आप चाहें तो 10500H, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, उसको अंडरवोल्ट करके विद 1660 Ti अपनी जिंदगी को सुख चैन के साथ में बिता सकते हैं इन दोनों के साथ। और एस स्पेंड 4300 एक्स्ट्रा ओवर 80,000 एंड कंसीडर निट्रो विद 5600H एंड RTX 3050 विद फुल TGP ऑफ 80W, करीब 1660 Ti के आसपास आता है। एंड झलक भर ही सही, बट RTX के जलवे मिलेंगे आपको। उसके बाद DLSS अगर आता है, देन उसका परफॉर्मेंस में 4, 5, 6, 7 चांद तो आराम से लगा ही देगा वो। सो इट इज वर्थ कंसिडरिंग अगर आपको RTX के मजे लेने हैं तो। ओनली ड्रॉबैक विद 3050 इज इट्स हैविंग 4GB VRAM। सो अगर आप 1080p रिजोल्यूशन पे ही हैं, देन मे बी कुछ गेम्स 4GB से ज्यादा डिमांड करते हैं, वहां ये रुलाएगा आपको। एंड फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, सो हो सकता है आगे 1080p पे सारे गेम्स 4GB से ज्यादा मांगने लगे, तब ये नया डुबा देगा आपकी। सो अगर आपका ड्रीम गेमिंग ही है, देन भाई थोड़ा और खर्च करके ज्यादा पावरफुल GPU लेने की कोशिश करो। हाँ, अगर 1-2 साल ही जम के खेलना है, उसके बाद में बंद कर देना है, देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग 1660 Ti और 3050 बोथ। वैसे इसका GPU 75W TGP वाला है, आई गेस इट्स लिटिल बेटर ऑप्शन देन ओमेन 15 विदाउट RTX GPU एंड लास्ट जन प्रोसेसर। नेक्स्ट, 90,000 के बजट में कुछ खास नहीं है, लाइक पवेलियन विद 5800H प्रोसेसर, RTX 3050, 16GB RAM एंड 100% sRGB स्क्रीन। कॉन्फिग वाइज प्राइस तो काफी अच्छा है, बट आई गेस इसमें थोड़ा हीट का प्रॉब्लम है, वो आपको नजरअंदाज करना मुश्किल है अगर आप 90,000 दे रहे हैं तो। अगर आपके पास बढ़िया AC है या फिर कुछ जुगाड़ लगा सकते हो फॉर कूलिंग, देन गो फॉर दिस। ये मैंने मेंशन किया क्योंकि ये नया था 90,000 वाले बजट में, पहले 92,000 पे अवेलेबल था ये, सो 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। और अगर आप ज्यादा ऑप्शन देखना चाहते हैं 90,000 के लैपटॉप्स में, तो मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया है, उसको आप जाकर के चेक कर सकते हो। उसमें जो भी लैपटॉप्स मैंने मेंशन किए हैं वो अब तक का बेस्ट है। अगर उसमें डिस्काउंट मिलता है, देन इट्स गुड फॉर यू, और एल्स यू कैन गो विद द सेम प्राइस। नेक्स्ट, आप सीधे 1,00,000 में ओनली निट्रो विद 5600H एंड RTX 3060, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, या फिर कुछ और खर्चा करके गो फॉर हेलियोस 10870H एंड RTX 3060 105W TGP वाले GPU के साथ। निट्रो आपको उनके वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ROG Strix एट 1.23 लाख, इसमें सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है अब तक का, पूरा पूरी ₹100 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। सो वो तुम हमें दान दे सकते हो नीचे UPI ID में। इट्स अ गुड चॉइस, इसमें फुल TGP RTX 3060 GPU मिल रहा है विद 5800H प्रोसेसर, सो कॉन्फिगरेशन बहुत अच्छा है इस
में, और बाकी कार्ड का डिस्काउंट तो अवेलेबल है ही। नेक्स्ट ओमेन 15 विद 5800 एच एंड RTX 3060 100 वॉट TGP के साथ, ये आपको 1.3 लाख में मिलेगा। सैड इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है कार्ड वाला डिस्काउंट को छोड़ करके, बट इट्स वन ऑफ द गुड लैपटॉप विद गुड कॉन्फिगरेशन एंड बेस्ट कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट इससे ऊपर सारे RTX 3060 वाले लैपटॉप में कोई डिस्काउंट नहीं है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इससे ऊपर जाने के तो हमारे RTX 3060 वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें सबसे बेस्ट RTX 3060 वाले लैपटॉप को लिस्ट किया था मैंने, रेफर दैट एंड देख लो आप कौन सा लैपटॉप आपको बेस्ट सूट हो रहा है, उसको आप अपने घर की लक्ष्मी बना सकते हो। बाकी जितने भी लैपटॉप्स मैंने मेंशन किए हैं मेरे हिसाब से ये बेस्ट था इन सारे बजट्स में टिल 1.3 लाख और 1.4 लाख इंक्लूडिंग द RTX 3060 वीडियो। और एक बात याद रखो कि कार्ड का डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो सेल के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर कोई लैपटॉप छूट गया है मुझसे तो कृपया कमेंट सेक्शन करके आप अपना क्वेश्चन वहां छाप सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। सो हैप्पी परचेजिंग गाइज, होप आप लैपटॉप खरीदने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएंगे आपने कौन सा लैपटॉप लिया है, हमें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।